हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हाजिक। मैं कश्मीर से हूँ और मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी जो कश्मीर में KVPY एग्जाम की प्रॉब्लम उसके बारे में, पर हमें नहीं पता था कि उसी टाइम पर तमिलनाडु के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं KVPY एग्जाम के अगेंस्ट। उनकी डिमांड्स हमसे थोड़ी हाई लेवल की थी, जैसे हम चाहते थे कि कश्मीर में भी एक अपना सेंटर हो KVPY एग्जाम के कंडक्ट के लिए। उनके पास ऑलरेडी 8 सेंटर्स है 8 सिटीज में तमिलनाडु में। अब उनकी ये डिमांड थी कि जो ये KVPY का एग्जाम है वो सिर्फ 2 लैंग्वेज में, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि जो रीजनल लैंग्वेज है इंडिया की उसमें भी कंडक्ट हो। जिसकी वजह से मद्रास हाई कोर्ट ने KVPY एग्जाम के पोस्टपोनमेंट के लिए ऑर्डर दिया हुआ था। पर इस ऑर्डर के रिप्लाई में KVPY की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी रिप्लाई नहीं आया। पर अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ पोस्ट किया कि हम 7 नवंबर को जो एग्जाम हो रहा है KVPY का वो डिले कर रहे हैं, और वो फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे शेयर करेंगे। तो ऐसे में हमें खुश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अभी भी हमारे स्टेट बोर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है। हो सकता है जो आगे डेट निकाले KVPY एग्जाम के लिए वो भी हमारे बोर्ड के साथ क्लैश कर रहा हो, या फिर अगले साल कर रहा हो। और वैसे भी जम्मू जाने का जो इश्यू था वो तो अभी भी खत्म नहीं हुआ, तो हमारा प्रोटेस्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। थैंक यू।